इंदौर में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में इंडेक्स अस्पताल में एक मरीज का ऑपरेशन करके उसे नई जिंदगी दी गई। मरीज की हालत क्रिटिकल होने लगी थी क्योंकि लंबे वक्त से उसके फेफड़े में सुपारी का टुकड़ा फंसा हुआ था। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अभिजीत खंडेलवाल ने अपनी टीम के साथ मरीज का ऑपरेशन किया और ब्रोंकोस्कोपी यानी फेफड़ों की दूरबीन पद्धति से फेफड़ों से सुपारी का टुकड़ा निकाल दिया। और अब खरगोन के रहने वाले 42 साल के मरीज सचिन शर्मा स्वस्थ हैं। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ टीबी चेस्ट के डॉक्टर अभिजीत खंडेलवाल ने बताया, ऐसे ऑपरेशन में जनरल एनेस्थीशिया देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोकल एनेस्थीशिया से ही ये प्रोसीजर किया गया। इसका खर्च भी कम आया और मरीज भी स्वस्थ हो गया। इंडेक्स हॉस्पिटल में दूरबीन पद्धति द्वारा मेरी श्वास नली में अटकी सुपारी निकाली गई और मैं जब सोता था तो गुटखा खा के सो जाता था और मैं उनकी टीम ये इंडेक्स हॉस्पिटल की टीम को और अभिजीत खंडेलवाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मरीज को एक दूरबीन रख के वापस कोशिश करी और मेरी टीम डॉक्टर गिरेन, डॉक्टर सुनील मुकाती, डॉक्टर सुदर्शन गुप्ता, इन सब की मदद से लगभग 2 से 2.5 घंटे के समय में हमने पाया कि वहाँ पे एक सुपारी का बड़ा टुकड़ा अटका हुआ है और खून का रिसाव भी काफ़ी ज़्यादा है। पूरी मेहनत के बाद हमने वो सुपारी का टुकड़ा निकालने में सफलता अर्जित करी।